श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, एक बार श्री नारद जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि किसी एकांत स्थान पर जाकर, किसी ऐसे स्थान पर जाऊं जहां मैं भगवान का भजन करूं। बाप के घर में बेटा कोई बैठ सकता है? बाप के घर में बेटे को काम करना पड़ता है। नारद जी ने कहा, भाई यहां भी आराम नहीं, यहां भी शांति नहीं है, चलो वैकुंठ में चलूं। श्री नारद जी वैकुंठ में गए, लेकिन नारद जी को वैकुंठ में भी शांति नहीं मिली। अब वैकुंठ में भी शांति नहीं मिली तो अब क्या करे भाई? कैलाश पर्वत पर गए तो वहां पर तो ठंड इतनी है, शीतलता इतनी कि उस शीतलता को सिवाय शिव के और कोई नहीं पचा सकता। वहां भी नारद जी का भजन बैठा नहीं। तब श्री नारद जी महाराज घूमते घामते कहां आए? श्री नारद जी महाराज घूमते घामते श्री धाम वृंदावन में आए भाई। और जब श्री धाम वृंदावन में आए तो आहा, कहना ही क्या है। करुणा निधान वृंदावन का नाम लेते ही आंखों के आगे दो चित्र चलते, आंखों के आगे दो चित्र चलते। ध्यान दें, वृंदावन का नाम आते ही जो भक्त है उसकी आंखों के आगे तो बिहारी जी चलते हैं, बिहारी जी का फूल बंगला, बिहारी जी का चरण दर्शन वो चलते हैं, राधा वल्लभ जी का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन, वंशीवट का वो वंशीवट, जो भक्त है उसके आगे ये चलते। और हम जैसे जो संसारी भोगी है उनके आगे बाजार आते हैं वृंदावन के, आलू टिक्की आती है महाराज क्या कर। भक्त को तो वृंदावन का नाम लेते ही, जैसे मीठे का नाम लो, एक आदमी के आगे, एक स्वस्थ आदमी के आगे कहो भैया मीठे का नाम लो, तो स्वस्थ आदमी को अपना मीठा का नाम सुनते ही ससुराल याद आएगा और एक बीमार आदमी को डायबिटीज याद आएगा। मीठे का नाम लेते हैं, स्वस्थ आदमी को ससुराल याद आएगा कि हाँ ससुराल में खूब मीठा खिलाया गया मनुवार के साथ, और एक बीमार आदमी को डायबिटीज याद आएगा कि हाँ इस मीठे से ही मुझे शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ। तो ऐसे ही महाराज वृंदावन का नाम लेते ही जो भक्त है उसको तो बांके बिहारी याद आएंगे, और जो संसारी है उसको आलू की टिकिया, पानी पतासा, झूला, रिक्शे की सवारियां, होटल का कमरा, ये सब याद है। हाँ, किसी को पूछा भैया वृंदावन गए क्या? हाँ हाँ वृंदावन गए, वहां पर हम जाकर के और शीतल होटल में ठहरे, शांति होटल में ठहरे, कोई नाम नहीं, मैं ऐसे ही मना के नाम बोला हूं, शीतल होटल में ठहरे, शांति होटल में ठहरे। और क्या कमरा था महाराज, ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन क्या करें रात को एसी खराब हो गया, फिर बहुत रात भर गर्मी रही, फिर सुबह और जाते ही मंदिर जाते ही सबसे पहले हमने तो लस्सी पी, आलू की टिकिया खाई, थोड़े गोलगप्पे खाए, तब जाके आराम आया, फिर जा करके हमने दर्शन किया, और दर्शन में भीड़ बहुत थी, हम तो दूर से ही बिहारी जी की जय हो करके हम तो निकले, बाहर आए गर्मी बहुत थी, आके सीते शांति होटल में सो गए महाराज। अरे वही शांति हो गई तुम्हारी। प्रभु क्या करे, संसारी है उसके आगे वृंदावन का नाम लो तो वो ये वर्णन करेगा, और एक भक्त के आगे वृंदावन का नाम लो तब वो वर्णन करेगा, हाँ अरे हम वृंदावन गए, मार्ग में ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हुआ, बाके बिहारी के मंदिर में अरे फूलों का बंगला बना हुआ, अरे मोगरे के गुच्छ लटक रहे, क्या बिहारी जी का सुंदर लहराता हुआ मुकुट, क्या पीला पीतांबर, क्या झलक, क्या नेत्र, क्या मुस्कान, क्या बिहारी। मेरे प्रभु भक्त का वर्णन ऐसा होगा, संसारी तो महाराज आलू टिक्की शांति होटल, भक्त का वर्णन ऐसा होगा मेरे भाई बहन। इसलिए वृंदावन तो क्या बताएं मेरे भाई बहन, जैसे नींबू होता है ना, नींबू का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता, गुलाब जामुन पेड़ा ऐसा होता कि नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता, ऐसे ही वृंदावन है महाराज, जिसका नाम लेते ही आंखों के आगे बांके बिहारी आ जाता है महाराज, ऐसा है वृंदावन। इसलिए आइए चलते हैं श्री नारद जी महाराज के साथ। ओ मन चल वृंदावन धाम हो, भाइयों
भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है भैया ताली बजाते हुए गाते हुए वृंदावन चलना। करुणा निधान हरिद्वार ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां मौन गंभीर होकर ज्ञान मुद्रा में जाना पड़ता है, लेकिन वृंदावन धाम कैसा है कि जहां भक्ति मुद्रा में जाना पड़ता है। भक्ति मुद्रा कैसी है? गाते हुए बजाते हुए नाचते हुए कीर्तन करते हुए भक्ति मुद्रा है, इसलिए आइए। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर। मन चल वृंदावन धाम, सफल बनाएंगे परिक्रमा दे जीवन सफल बनाए।
मान्यारी है श्री बरसाई धाम की महिमा न्यारी है श्री बरसाई धाम की महिमा न्यारी। सफल बनाते दर्शन करके जीवन सफल बनाते मिले जीवन में विश्राम मिले जीवन Oh, okay.
मन चल वृंदावन धाम हो, ओ मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमर काली, ओ मिलेंगे कुंज नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आए। आहा, और श्री वृंदावन धाम तो वैकुंठ से भी बढ़कर के है भाई। वैकुंठ से बढ़कर क्यों है? गोपी कहती है, जयति ते अधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इन्द्रा शश्वदत्र हि दैत दृश्यता की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा क्यों है? हाँ? तो गोपी ने कहा, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा यानी लक्ष्मी जी, बोले वो लक्ष्मी जी ब्रज में निवास करती हैं, इसलिए ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा होगी। अब एक बात बताएं, जो लक्ष्मी वैकुंठ में रहती है वही लक्ष्मी ब्रज में रहती है, तो फिर महिमा ज्यादा कैसे हुई? बराबर हो गई ना। जो वैकुंठ में रहती है, जो लक्ष्मी वैकुंठ में रहती है वही ब्रज में रहती है, तो महिमा बराबर हुई, ज्यादा कैसे हुई? तो गोपी कहती है कि जो लक्ष्मी वैकुंठ में स्वामिनी की तरह रहती है वो लक्ष्मी ब्रज में सेवक बन के रहती है, इसलिए ब्रज की महिमा ज्यादा हुई, सेवक बन के रहती। प्रभु इसलिए ब्रज की महिमा ज्यादा है, जहां लक्ष्मी जी भी सेवा करें, जिसकी लक्ष्मी जी भी सेवा करती, इसलिए नाथ ऐसे श्री धाम वृंदावन में श्री नारद जी आए। और यमुना का किनारा, यमुना का किनारा हो और संग मुरली वाला हो, यमुना का किनारा हो संग मुरली वाला हो, यमुना का किनारा हो संग मुरली वारा हो, यमुना का किनारा हो संग मुरली
क्या कहना प्यारे तकदीर संवर जाए, फिर क्या कहना प्यारे तकदीर संवर जाए। श्री ब्रज भूमि में तो एक बार जो आ जाए, वृंदावन भूमि में एक बार जो आ जाए, जादू ऐसा होता वो ब्रज का हो जाए, जादू ऐसा होता वो ब्रज का हो जाए। मेरे भाई बहन, मैं किसी तीर्थ को छोटा बड़ा नहीं कहता, लेकिन अपने अपने जीवन में कई तीर्थ किए होंगे, बद्रीनाथ भी गए होंगे, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ भी गए होंगे, लेकिन कोई वृंदावन भी गए होंगे। कोई कहे कि यमुनोत्री चलोगे तो कहेंगे एक बार हो आए, और कोई कहे वृंदावन चलोगे बोले बोलो कब चलना है। ये महिमा है ब्रजभूमि की, कुछ ऐसा जादू है जो आए ब्रज में वो हो जाए यहाँ का। कोई कहे कि चलोगे यमुनोत्री, हम एक बार दो तीन बार गए, तीन बार बद्रीनाथ गए, दो बार तो एक बार तो छोटे थे जब गए, दोबारा एक महात्मा जी गए तो उनके हट के कारण उनके साथ जाना पड़ा, तीसरी बार कथा करने के लिए जाना पड़ा, चौथी बार कथा का निमंत्रण आया तो हमने दूसरे महाराज जी को भेज दिया, हम नहीं गए भाई। नाथ, लेकिन वृंदावन से जब जब निमंत्रण आया है तब तब तैयार हो गए कि हो तैयार है चले नाथ। इसलिए भाई ऐसा जादू है यहाँ, ऐसा जादू है मेरे प्रभु। कई जने कहते हैं महाराज क्या देखिए ना वृंदावन में, वहाँ पर पैसे मांगते हैं, वहाँ पर यूं होता है, वहाँ पर भेंट कहते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ ऐसा। ये सब बातें होंगी लेकिन ये सब बातें संसारी के दिल पर असर करती है भाई। व्यापारिक बुद्धि वाला होता है ना, वो जहां उसका धन जाता है वहां पर उसको थोड़ा अटपटा लगता है, ये साफ बात है। इसमें मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं और किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये साफ बात है। व्यापारिक बुद्धि का जो व्यक्ति होता है जहां पर उसका धन निकलता है वहां उसको बड़ा वो गलत लगता है, ये सिस्टम गलत है, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रभु संसारी की व्यापारिक बुद्धि होती इसलिए उसको ऐसा अटपटा लगता है, लेकिन भक्त को पूछो तो भक्त कहता है मैं तो बिहारी जी के दर्शनों से मतलब है, बाकी हमें किससे क्या लेना देना, आप क्यों ध्यान। ये सब परिस्थितियां संसारी के मन पर असर करती है, भक्त के मन पर असर नहीं करती, भक्त के मन पर इन बातों का असर नहीं होता है। उसके मन पर तो एक बिहारी जी की छटा का असर है, फिर और किसी का नहीं। अरे मोर मुकुट की देख छटा में हो गई सजनी लटा पटा, ए मोर मुकुट की देख छटा में हो गई सजनी लटा। भक्त को इससे मतलब है क्यों दूसरी जगह वो देखे, हटे वो सामने से तो किसी और में देखे, अगर ठाकुर जी बिहारी जी सामने से हटे तो किसी पंडा जी को देखे, वो बिहारी नहीं हटता है सामने से। मोर मुकुट की देख छटा में हो गई सजनी लटा पटा, मोर मुकुट की देख
गाइए, अपनी वाणी का उपयोग करिए। कंकर मार हे मटुकिया फोड़ी, हे बिखर गया मेरा दही मठा। हे कंकर मार मटुकिया फोड़ी, बिखर गया मेरा दही मठा। नंदल बोले वचन खटा, घर जाऊंगी सास लड़ेगी, नंदल बोले वचन खटा। सखी कहती है उस श्याम सुंदर के सामने आने से क्या हुआ, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, नंदल बोले वचन खटा। और जो सुन पावे बिहरिये तो नाम बाप के लगे बटा। और जो सुन पाए बिहरिये तो नाम बाप के लगे बटा। ए भोर मुकुट की एक छटा में हो गई सजनी लगा। लटा पटा में हो गई सजनी लटा पटा।
ठाकुर जी के उस मोर मुकुट की छटा को देखा है, जिसने ठाकुर जी के मोर मुकुट की छटा को देखा है उसको कहां आवश्यकता पड़ी कि वो किसी अन्य को देखे, किसी और चीज को देखे, इतनी कहां। इसलिए मेरे भाई बहन, ऐसो है श्रीधाम वृंदावन, क्या कहें। जिस श्रीधाम वृंदावन में जाकर आप ऐसा करें ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन संतों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है कि वृंदावन में रह करके कोई माला न फेरे, कोई तपस्या न करे, कोई भक्ति ना करे, लेकिन वृंदावन में रहकर वहां श्वास लेने से भी भक्ति हो जाती है महाराज। उस ब्रज भूमि में रहकर श्वास लेने से भी भजन हो जाता है, इतनी महिमा है उस ब्रज भूमि की। और एक खुद प्रधानमंत्री का ऑफिस फर्क पड़ता ना भाई, मेरे भाई बहन, जहां ठाकुर खुद रहता है, जहां प्रभु खुद रहता है, ऐसे श्री धाम वृंदावन में, ऐसी ब्रज भूमि में श्री नारद जी महाराज आए और यमुना के किनारे किनारे, श्री यमुना जी श्याम सलीला, श्री यमुना जी ठाकुर जी के महाराज की साक्षी, श्री ठाकुर जी की पटरानी, श्री ठाकुर जी की परम प्रिया, वैष्णवों की पक्षधर श्री यमुना जी। श्री यमुना जी को वैष्णवों का पक्षधर कहते हैं। श्री यमुना जी वैष्णवों की पक्षधर, वैष्णवों का पक्ष श्री यमुना जी रखती हैं ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी को प्रसन्न करने की सामर्थ्य जिन श्री यमुना जी में है। मुकुंदरति वरधिनी जयति पद्मबंधो सुता भुवं भुवन पावनी मदिगता मने कस्वने प्रियाभिरिव सेविताम शुकमयूर हंसादिभि तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमतु कृष्ण तूर्य प्रिया अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशरा भिष्ट दे। ऐसी है श्री यमुना जी, शिव विरंचि भी जिनकी स्तुति करते हैं और ध्रुव पराशर जैसे ऋषियों को जिन्होंने अभिष्ट दिया है। श्री ध्रुव जी को ठाकुर जी कहां मिले, यमुना के किनारे तो मिले। ऐसी श्री यमुना जी के किनारे पर श्री नारद जी महाराज आए और श्री नारद जी ने क्या देखा, श्री यमुना जी के किनारे पर एक विचित्र आश्चर्य देखा। लेकिन संत में और संसारी में क्या अंतर है, संसारी की नजर कहीं ठहर जाए तो बस वहां पर ठहर जाती, देखे तो बस वहां टीवी देखेंगे तो है, रात को 2 बज जाए तो ही बैठ रहेंगे। भाई को पूछा कितने बजे टीवी बंद किया, बोले 2 बजे। क्यों भाई इतनी देर क्या देखा, बोले टीवी देखते ही गए। अरे लेकिन संत का क्या स्वभाव है, अपनी नजर को रोकता नहीं है महाराज, रोकता नहीं, चलती रहती नजर। क्योंकि नजर जहां रुकेगी वहां 2 काम होंगे, या तो आसक्ति होगी अथवा पाप होगा। नजर के रुकने से या तो आसक्ति होगी अथवा पाप होगा, ध्यान देना। नजर जहां रुकती वहां या तो आसक्ति कराती अथवा पाप कराती, इसलिए संत अपनी नजर को नहीं रोके, चलती रहे नजर। एक कथा में हमने एक भाई को लगातार थोड़ी देर देख लिया, शाम को मिलने आ गया। हमने कहा क्या हुआ, बोले महाराज आज कथा में आपने मुझे देखा तो मुझे लगा आपके साथ मेरे भाव पैदा हो गए, लगा आपके साथ मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। और क्या है बस महाराज जी, आप तो भाई जैसे लगते हैं, वो लगते हैं। ले अब बंदा हो राकड़ी भाई कर प्रभु क्या हुआ, नजर टिकी तो आसक्ति हो गई, संबंध हो गया, ये बंधन ही तो है। किसी स्त्री पे नजर टिक गई और कोई बुरा विचार मन में आ गया तो पाप हो गया।
इसलिए भाई नजर टिकेगी तो या तो आसक्ति होगी अथवा पाप होगा, इसलिए नजर रोकना नहीं। नजर ठहरानी हो तो सिवाय श्याम सुंदर की और कोई ऐसा नहीं है जहां पर नजर रोकी जा सके, जहां नजर रोकी जा सके। बाकी दुनिया में कोई लगातार देखा जाए ऐसा नहीं, संसार में ऐसा कोई जिसको लगातार देखा जाए, देखते हैं तो या तो आसक्ति होती है या पाप होता है, या तो आसक्ति होती है या पाप होता है। एक छोटा बच्चा बैठा है उसको लगातार देखते हैं आसक्ति आ जाती, मन करता है उसको गोदी में कैसे ले, उसको प्यार कैसे करे। प्रभु किसी के हाथ का सोने का आभूषण लगातार देखे पाप आ जाता, अरे वाह भगवान ये हमको कैसे मिले, भगवान करे रात को इनके गिर जाए हम जाए हमें मिल जाए। एक उदाहरण हो, ऐसा नहीं होता होगा आप लोगों के साथ, लेकिन ये होता ही है। नजर टिकी नहीं या तो आसक्ति होगी या पाप होगा, इसलिए नारद जी ने ध्यान नहीं दिया और चल पड़े। लेकिन उस स्थान पर वो जो स्त्री थी, उस स्त्री ने कहा महाराज किधर जाते हो किधर जाते हो, ठहरो ठहरो। श्री नारद जी रुक गए और श्री नारद जी महाराज वहां से आए, आकर के श्री नारद जी ने कहा देवी क्या बात है मुझे क्यों बुलाया। बोले महाराज मेरे मुझे कष्ट में छोड़कर आप कहां जाते हो। बोले देवी तुम्हारे कष्ट संसार व्याधि मंदिर है, ये संसार तो व्याधि मंदिर है, ये संसार तो दुखों का मंदिर है। हर हर रास्ते पर जैसे मेरे भाई बहन वो किलोमीटर का निशान मिलता है ना हर एक किलोमीटर पे, कि अब एलनाबाद इतना किलोमीटर, गंगानगर इतना किलोमीटर, नोहर इतना किलोमीटर, तो ऐसे ही मेरे भाई बहन जैसे हर किलोमीटर पे किलोमीटर का निशान मिलता है, ऐसे ही हर किलोमीटर पे एक न एक दुखी मिलता है। तो संसार का ये विधान है, एक किलोमीटर मैंने ज्यादा ही कर दिया, हमारा एक किलोमीटर में भी बहुत मिल जाते हैं, पचासों मिल जाएंगे, हजारों मिल सकते हैं कई जगह। और देखो ना हॉस्पिटल तो एक किलोमीटर का भी नहीं होता है, छोटा सा हॉस्पिटल होता है उसी में 500 200 तो उसी में एक ही जगह दुखी मिल जाते। संसार व्याधि मंदिर है भैया, ये देवताओं का मंदिर है, तो देवताओं के मंदिर का मतलब क्या कि जहां देवताओं की मूर्तियां मिलेगी। और संसार व्याधि मंदिर है, संसार व्याधि का मंदिर है यानी क्या कि संसार में जगह जगह पर दुख मिलेगा, व्याधि मिलेगी। कृष्ण का मंदिर है तो वहां कृष्ण मिलेगा, राम का मंदिर राम मिलेगा, शिव का मंदिर शिव मिलेगा, ऐसे ही व्याधि का मंदिर है तो व्याधि मिलेगी। अथा खलु संसार दुख रूपी विमोहक, ये दुखों का मंदिर है, संसार है दुखालय, तो दुख तो मिलेगा ही यहां। इसलिए देवी बहुत दुखी मिलते, किस किस के पास रुकूं। बोले महाराज मेरा दुख वैसा दुख नहीं है, मेरा दुख कुछ और दुख है। कहो देवी तुम बताओ, अपना परिचय दो और मुझसे क्या चाहती हो बताओ। तब उस देवी ने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है और महाराज द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, बंग देश में बड़ी, गुजर देश में आकर बूढ़ी हो गई, जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई मैं एकदम रिष्ट पुष्ट हूं। वृंदावन में आकर मैं तो रिष्ट पुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई, लेकिन जो मेरे बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य ये अचेत पड़े हैं, इन ज्ञान और वैराग्य को कैसे जगाऊं, आप कृपा करें जिससे इन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा मिट जाए, ऐसी कुछ कृपा करो। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा देवी चिंता न करो, ज्ञान वैराग्य की पीड़ा मिट जाएगी, तुम्हारा मन एकदम स्वस्थ हो जाएगा। महाराज मैं क्या करूं। देवी तुम चिंता न करो, महाराज मुझे बताइए मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य की ये स्थिति क्यों हुई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य की ये दशा क्यों हुई। हे देवी उसका एक कारण है। क्या? कलि दावानले नाद्यम साधना भस्मतागता। हे देवी कलयुग के अंदर सब साधन खत्म हो गए, सब साधन खत्म हो गए, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी के पास समय नहीं। आपको पता है पहले कथा होती थी 8 घंटे,
सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, फिर कथा हुई 6 घंटे, अब हो गई है 4 घंटे, और उसमें भी कई कई जगहों पर तो 3 घंटे ही होती है। ऐसा महाराज नहीं कहते, सामने वाले आयोजक चला कह दे महाराज इतना ही। एक जगह तो हमको किसी ने कहा कि महाराज 2 घंटे कथा सुनेंगे, सुनानी हो तो हाँ भरो। हमने कहा 2 घंटे ही, बोले सेठ जी को इतना ही टाइम है, सेठ जी इतना ही टाइम दे सकते, 2 घंटे आप सुनाते हो तो बात करो, नहीं तो वाह। मेरे भाई बहन, राजा परीक्षित जैसा श्रोता चाहिए इस कथा के लिए, तो महाराज कोई दूसरा काम नहीं है, आप कहें और हम श्रवण करें। महाराज जैसे श्वास रोगी को लगातार ऑक्सीजन, उसके सिवाय और कोई उसका आधार नहीं है, ऐसे ही प्रेम रोगी के लिए तो लगातार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, इसके अलावा और कोई दूसरा उपचार नहीं है महाराज। लेकिन हमें प्रेम रोग कहाँ है, हमें तो मधुमेह है, प्रेम नहीं है, प्रेम रोग नहीं है महाराज। प्रेम रोग होता तो क्या, प्रेम रोग मीराबाई को था, क्या मीराबाई का आनंद था। हाँ तुम घर जाओ वैद, मेरा रोग भारी है। वैद्य आया मीराबाई को देखने के लिए, मीराबाई ने कहा तू घर जा। क्यों? बोले प्रेम रोग का इलाज तू नहीं कर सकता, MBBS क्या तू करेगा प्रेम रोग का इलाज महाराज, MD फिजिशियन के पास, आयुर्वेदाचार्य इनके पास में प्रेम रोग का इलाज नहीं, इसलिए घर जा। तुम घर जाओ वैद, मेरा रोग भारी, मेरा रोग भारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मेरा रोग भारी है, मुझे दिल की बीमारी है, तुम घर जाओ वैद, मेरा रोग भारी है। वैद्य तुम्हारी समझ में आए वो रोग नहीं, तुम घर जाओ। नाड़ी को टटोले काई, हे दर्द कलेजे माही, हे नाड़ी को टटोले काई, दर्द कलेजे माही, अरे देख नहीं जाने वैद, निपट अनाड़ी है, अरे देख नहीं जाने वैद, ये मूर्ख है वैद्य। दर्द तो कलेजे में है और नार चेक कर रहा है, ए यहां क्या तकलीफ है, जट। ए तुम घर जाओ वैद, मेरा रोग। लेकिन ध्यान देना, एक डॉक्टर इलाज बंद करने से पहले दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर देता है, बोले मुझसे इलाज नहीं बेटा, इसलिए अब तुम इस डॉक्टर से अपनी जांच कराओ। तो वैद्य कहता है कि मैं इलाज तो बंद कर दूं तेरा, घर तो चला जाऊं, लेकिन दूसरा वैद्य भी तो बता किससे तू इलाज कराएगी। मेरा भाई कहती सुन, ए तुम घर जाओ वैद, मेरा रोग भारी है, मेरा रोग भारी है, और दिल की बीमारी है, मेरा रोग मेरा रोग जानन वालो, ए मेरा रोग जानन वालो, सांव रोगिर धारी है, ए मेरा रोग जानन वालो, सांव रोगिर धारी है। ले फिर की खिड़की सो गिरी सकी, आय गयो मोई प्रेम तमारो, और उपाय बने ना कछु सकी, मोहन वैद मिले सो करोरी। ऐसा एक बहुत अच्छा सवैया है ब्रज में, हमें तो याद नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर। एक सखी फिरकी सी खिड़की सो गिरी,
आए गयो सखी प्रेम तमारो, जैसे दौरा आता ना किसी को चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, ऐसे प्रेम तमारो। तो सखिया कहती कोई जंत्र कराए मंत्र कराए वैद्य बुलाए, तो सखी कहती और उपाय करो ना सखी, घनश्याम मिले सो उपाय करो री, श्याम सुंदर मिले ऐसा उपाय करो, वो वैद्य है। तो भैया इसलिए प्रेम रोग तो है कहां, हमें तो दूसरे सब रोग है। करुणा निदान अगर प्रेम रोग हो जाता ना तो फिर ये डायबिटीज बीपी फीपी कुछ नहीं होती, क्योंकि एक बड़ी बीमारी हो जाए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को पूछा क्या है, बोले कैंसर है, बोले इसके अलावा और कुछ है क्या, बोले इसके आगे जो दूसरे वो कुछ महत्व नहीं रखते, यही सबका बाप है। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन अगर जीवन में प्रेम रोग होता तो फिर दूसरे रोग होते ही नहीं, क्योंकि ये प्रेम रोग सबका बाप है, इसके आगे कोई रोग टिकता ही नहीं। लेकिन हमें प्रेम रोग नहीं हुआ तो ये छोटी छोटी बीमारियों ने पूरे शरीर को घेर लिया मान। बाकी तो प्रेम रोगी के शरीर में रोग को तो जगह ही नहीं मिलती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन रोम रोम में, जिसके कृष्ण समाए रहते हैं उसके रोम में रोग कैसे प्रवेश करेगा, जिसके रोम रोम में कृष्ण समाए हैं कैसे प्रवेश करेंगे महाराज बताओ, आप कैसे प्रवेश करेंगे। रोम रोम में जिसके प्रभु हो उसके रोम में पाप कैसे प्रवेश करेंगे महाराज। हे लिख दो मारे रोम रोम में, हे राम राम हो रमापति, हे राम राम हो रघुपति, लिख दो जय सियाराम। जिसके रोम रोम में भगवान हो उसके रोम में पाप कैसे प्रवेश करेंगे, पाप प्रवेश करने वाले ना। तो इसलिए हे देवी तुम चिंता न करो, ये सब कलयुग के कारण हुआ है। किसी को समय नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय नहीं है, और वैराग्य सबको बीमारी जैसा लगता है। किसी को कुछ छोड़ना पड़े तो लगता कि बीमारी, कोई मीठा खाना छोड़े तो लोग कहते बीमार हो क्या, अरे व्यक्ति क्या त्याग बीमारी की स्थिति में ही करता है, ध्यान देना, बीमारी की स्थिति में किया हुआ त्याग तो मजबूरी का वैराग्य है, और मजबूरी के वैराग्य का भक्ति से कोई लेना देना नहीं, मजबूरी के वैराग्य का भक्ति से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम तो मीठा नहीं खाते भाई, हमको तो 5 साल हो गए मीठा छोड़ दिया, हम तो खाते ही नहीं, छूते भी नहीं है। क्यों नहीं छूते हैं, ये तो अंदर का दिल जानता है कि डायबिटीज हो गई है 5 साल से खतरनाक, खावे तो मरे, करे क्या, इसलिए नहीं खाते। अब अपनी मजबूरी को त्याग के रूप में प्रचारित करना, हम तो गद्दे पे सोते नहीं है भाई, हम तो जमीन पे सोते हैं, हमको तो गद्दा पसंद नहीं, हम तो जमीन पे सोते हैं। अब अपना इतना त्याग का बवंडर मचा रहे, और हकीकत क्या है कि डॉक्टर ने कहा है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, गद्दे पे सोओगे कमर की हड्डी सीधी नहीं रहेगी और बढ़ जाएगी, इसलिए जमीन पे लेट के सो, तब सो रहे महाराज। अपनी मजबूरी को त्याग के रूप में प्रचारित न करें, अपनी मजबूरी को त्याग के रूप में प्रचारित न करें नाथ। इसलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं, लेकिन हे देवी इस श्री धाम वृंदावन में ज्ञान वैराग्य भले ही गौण हो लेकिन भक्ति की बड़ी महिमा है, यहां नाम संकीर्तन में सबकी रुचि है, ठाकुर के उत्सवों में सबकी रुचि है, इसलिए देवी यहां पर तुम एकदम हृष्ट पुष्ट हो। लेकिन चिंता ना करो, चिंता ना करो, सब कुछ अच्छा होगा। वृथा खेद यसे बाले, श्री नारद जी महाराज कहते देवी धैर्य धारण करो, उपाय सुनिए। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंतातुरं कथं
वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरं कथं श्री कृष्ण चरणां भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति श्री कृष्ण चरणां भोजं श्री कृष्ण चरणां भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति नारायण हे देवी तुम अपने मन में खेद न करो चिंता न करो तो श्री कृष्ण चरणाम भोजन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करो और चरणारविंदों का स्मरण करते ही दुखों का नाश हो जाता है। मेरे भाई बहन ध्यान सुनिएगा, आप रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, आप रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, रेलगाड़ी की सूचना है कि भाई रेलगाड़ी एक घंटे लेट आएगी। अब आपका मन एकदम बेचैन हो जाता है, रेलगाड़ी ये हो एक घंटे और भी लेट हो गई तो अब आपका मन बेचैन हो जाता है और उस बेचैनी में अचानक गाड़ी का हॉर्न बजे, तो गाड़ी को आपने अभी देखा नहीं है, खाली गाड़ी का हॉर्न बजा है। उस हॉर्न को सुनते ही आपके मन में एकदम से आराम आने लगता है कि वाह गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही। भले ही आप नजदीक आने पे पता चले कि ये तो दूसरी है, लेकिन एक बार तो हॉर्न बजते ही अपने मन में आराम आने लगता कि चलो आ गई। जैसे गाड़ी आई नहीं लेकिन उस गाड़ी के हॉर्न का ध्वनि से ही मन को आराम मिलने लगता है, ऐसे ही दुखों से भरे हुए व्यक्ति को ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति ना हो, उन चरणों की याद भी उसको आ जाए तो उसके दुखों में आराम होने लग जाता है। महाराज उसके दुखों में आराम होने लगता है, इसलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमीष्यति। उन श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों का स्मरण करने से दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन हमारे ब्रजवासी गाया करते हैं, मैं पूरा नहीं गाऊंगा एक दो लाइन, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। देखो भाई मेरी एक प्रार्थना है, जो भी भजन कीर्तन आप सुनते पीछे जरूर गाए, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आनंद आएगा। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। एक जगह बाप बेटे चीमण में गए भोजन में, भोजन में लड्डू पेड़ा चक्की पूड़ी पराठा सब था, तो बाप खाता है और अपने मित्र के साथ बात करता है, तो बेटे ने पूछा पिताजी आप खाते हो और थोड़ी थोड़ी देर में अंकल जी के साथ काका जी के साथ बातें क्यों करते हो? बोले बेटा खाते खाते थोड़ी सी बात हो जाती है तो खाने में रुचि बढ़ जाती है, खाते खाते थोड़ी बात हो जाती है तो खाने में थोड़ी रुचि बढ़ जाती है। ऐसे ही कथा सुनते सुनते अगर थोड़ा कीर्तन हो जाता है तो कथा सुनने में रुचि बढ़ जाती है। इसलिए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो राधा नारायण। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति, ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो, ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करते दुखों का नाश हो जाएगा। आहा, भक्ति महारानी को बड़ा आश्वासन मिला, लेकिन भक्ति महारानी नारद जी से पूछती है, नारद जी महाराज मुझे एक बात बताइए, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की ऐसी दशा कलयुग के कारण हो रही, कलयुग का प्रभाव है इसलिए ऐसी हो रही है, तो मुझे बताइए आखिर कलयुग ने ऐसा क्या कर, क्या भेंट राजा परीक्षित को दी जो राजा परीक्षित ने कलयुग को आने की छूट दे दी। नारद जी कहते हैं देवी, यद्यपि कलयुग में बहुत अवगुण है, बहुत दोष है, बहुत अपराध भरे पड़े हैं, लेकिन इस कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है देवी, और उस गुण को देखकर कलयुग को छूट मिली है रहने की। क्या गुण है कलयुग में? यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, न योगे न समाधि ना, योग और समाधि से भी जो फल नहीं मिलता वो फल कलयुग में मिल जाता, कैसे? बोले कलो केशव कीर्तनात्, खाली ठाकुर जी का कीर्तन करने से वो फल मिल जाता, खाली कृष्ण कीर्तन करने से वो फल मिल जाता है, इससे बड़ा और क्या? हमको ज्यादा तो पता नहीं भाई, लेकिन हमने उधर सुना है, अपने वहां हम एक जगह पर बैठे थे तो किसी ने कहा महाराज आजकल मजदूरों की बड़ी समस्या हो गई है। हमने कहा क्यों? बोले आजकल सरकार ने एक योजना बनाई है नरेगा योजना,
हमने कहा उसमें क्या होता है, बोले उसमें एक आदमी को 150 रुपए दिए जाते हैं, ज्यादा कम का पता नहीं, सुनी भी कह रहा हूं, 150 रुपए दिए जाते हैं। आदमी जावे सुबह और शाम को घर आ जावे, और काम करे तो करे, बैठा रहे तो बैठा रहे, उसकी हाजिरी लगनी चाहिए तो उसको 150 रुपया रोज का मिलता रहेगा। कुछ करो चाहे नहीं करो, ये नरेगा में ये फायदा है कि 150 रुपया तो मिलेगा। इसलिए जब वहां बिना काम के ही 150 रुपया मिल रहा है तो फिर यहाँ क्यों मजदूरी करने आएंगे, क्योंकि सेठ तो सुबह से शाम तक पूरा निगरानी में काम करावे, और वहां नरेगा में तो एक बार जाके कह दिया, हाँ साहब आया है, पंचीराम आया है, मुन्नीलाल आया है, बस ले जाओ 150 रुपया से हमको। तो ये भैया कलयुग भी जो है अपने लिए नरेगा योजना है। कुछ जब तब साधन खर्च हो चाहे नहीं हो, खाली कीर्तन करो और भवसागर से पार हो जाओ महाराज, भवसागर से पार हो जाओ। इसलिए नाथ ये ऐसी अद्भुत योजना है, कुछ मत करो भगवान को पा सकते हो खाली कीर्तन करने से, नाम संकीर्तन से। कलो केशव कीर्तनाथ, ऐसी सुंदर महिमा है। भक्ति महारानी ने कहा, प्रभु हे महाराज मैं तो संतुष्ट हूं, लेकिन मेरे बेटों के लिए कुछ आप करिए। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः, हे भक्ति महारानी तुम्हारी जन जन में स्थापना करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। नारद जी चले, आकाशवाणी हुई, हे महाराज आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। आकाशवाणी हुई, अब नारद जी के मन में आया कि सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए, ऐसी आकाशवाणी हुई है, आखिर सत्कर्म कहते किसको है? सत्कर्म क्या, एकादशी करना सत्कर्म, क्या है सत्कर्म? नाथ तब श्री नारद जी महाराज को मार्ग में सनत कुमार मिले, उन सनत कुमारों से पूछा, भैया सनत कुमारों तुम बताओ सत्कर्म किसको कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, सत्कर्म का अभिप्राय है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? श्रीमद भागवतालाप सतु गीत शुकादि, ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? बोले श्रीमद भागवत जी की जो कथा है, श्रीमद भागवत महापुराण की जो कथा है, वो ज्ञान यज्ञ। जिसको सुखदेव जी ने सतु गीत शुकादि, जिसको सुखदेव जी ने बड़े आनंद से गाया है, बड़े आनंद से गाया है सुखदेव जी ने महाराज, बड़ी मौत से गाया है नाथ, रस लेकर गाया है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है, इसके कहने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो सकते हैं। आहा, नारद जी ने वही संकल्प कर लिया, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, मैं ये काम करूंगा। हे सनत कुमारो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब आपने उपाय बताई दिया है ज्ञान यज्ञ करो, तो फिर महाराज कृपा करके अब ये काम भी आप करा दीजिए। आपने उपाय बताया है, अब उपचार भी आप कर दीजिए, औषधि भी आप दे दीजिए। और सनत कुमारों को श्री नारद जी महाराज ने कथा कहने के लिए प्रार्थना करी, सनत कुमार तो मान गए। कैसे माने? सनत कुमार कहते, हे नारद जी हम आपके बहुत आभारी होंगे। नारद जी कहते क्यों? बोले क्योंकि आपने हमें भगवत कथा कहने का निमंत्रण देकर और हमारी वाणी को पवित्र होने का अवसर दिया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। मेरे भाई बहन, मैं भी आप सब एलनाबाद वासियों का आभारी हूँ कि आपने मेरी वाणी को भगवत कथा से पवित्र होने का अवसर दिया है। आपको प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। यदि आप अवसर नहीं देते तो ये तो वाणी सांसारिक चर्चाओं में लगी थी भाई, आपने अवसर देकर इस वाणी को पवित्र होने का मौका दिया। नाथ खाली श्रोता वक्ता का आभारी न हो,
वक्ता को भी श्रोताओं का आभार मानना चाहिए कि वो उपस्थित होकर वक्ता की वाणी को पवित्र होने का अवसर देते हैं। प्रभु नाथ, मेरे नाथ, सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर की कथा कहने को मिलेगी, भगवत गुणगान गाने को मिलेंगे, और क्या चाहिए। मेरे भाई बहन, अपने पति से अत्यंत प्रेम करने वाली स्त्री, अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करने वाली स्त्री, उसके सामने अगर उसके पति के बारे में कोई पूछ ले तो कितनी खुश हो जाती है। हाँ, मेरे पति, अरे वो तो यूं, वो तो ऐसे हैं, वो तो यूं कर लेते, अरे वो तो ऐसे, वो तो ऐसे। मेरा बेटा पप्पू मुन्नू है, वो तो मुन्नू तो मेरा ऐसा, पप्पू तो मेरा ऐसा, ऐसे वैसे। अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री को अपने पति की प्रशंसा करना बहुत अच्छा लगता है। अपने पुत्र से प्रेम करने वाली माता को अपने पुत्र की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही ठाकुर जी से प्रेम करने वाले भक्त को ठाकुर जी का गुणगान करना बहुत अच्छा लगता है महाराज। इसलिए सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए कि आपने हमको धन्य कर दिया, हमें हमारे ठाकुर को याद करने का अवसर, हमें हमारे ठाकुर को याद करने का अवसर। अगर आप नहीं कहते तो हमारी वाणी तो ऐसे ही मंद पड़ी थी। अब हम ठाकुर का गुणगान तो करेंगे, आपके बहाने से ही सही हमारी वाणी कुछ तो अच्छा करेगी महाराज, कुछ तो अच्छा करेगी। बाकी देखना मेरे भाई बहन, इन कानों से हमने संसार की चर्चाएं भी बहुत सुनी हैं, लेकिन इन कानों से संसार की चर्चा सुनने पर भी कभी इन कानों को संतुष्टि नहीं मिली है। उल्टा 4 घंटे तक गप्पे सुनो, बाद में पछता होता है कि अरे ऐसे ही टाइम खराब किया, 4 घंटे कुछ आनी जानी नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन, सत्संग सुनने के बाद में व्यक्ति के अंदर एक संतुष्टि आती कि चलो आज ये 4 घंटे तो सफल हुए। मेरे भाई बहन, सिनेमा हॉल में 3 घंटे 4 घंटे सिनेमा देख करके बाहर निकलने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको पूछो क्या है आपका अनुभव, कैसा लगा। मेरे भाई बहन, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी शक्ल बता देगी कि वो कितना हैरान होके निकल रहा है। आंखों ने तो देखा, बुद्धि का तो मनोरंजन हुआ, लेकिन अंदर से तो आदमी थक गया महाराज। बाल उखड़े हुए, आंखें सूजी हुई, और हाँ अच्छी थी, अच्छी थी। मेरे प्रभु, सिनेमा हॉल से निकलने वाले व्यक्तियों को देख लो, सिनेमा हॉल से जो लोग निकलते हैं उनके चेहरे देखो महाराज, आपको सब ऐसे लगेंगे महाराज जैसे वो वोल्टेज कम होने पर बल्ब होता है ना, ऐसे मुरझाए हुए, बुझे बुझे से महाराज, ऐसे बुझे बुझे चेहरे होंगे। और कथा से जब भक्त निकलते हैं तो रिकॉर्डिंग करवा लेना मेरे भाई बहन, उनके चेहरे कैसे चमकते हुए, चांद के जैसे उनके चेहरे होते हैं, आप देख लेना भली चाहो तो। क्यों, फिल्म देखी भी अंधेरे में जाती और देखने वाला भी अंधेरे में, फिल्म भी अंधेरे में, बैठा भी अंधेरे में, मन में भी अंधेरा, बस खाली फिल्म वाले को रुपया मिल रहा है, इसलिए वहां चांदनी, वहां रोशनी, बाकी देखने वाले के अंधेरा, जिस जगह बैठा वहां अंधेरा, तो कैसे चेहरे चमकेंगे। अंधकार से निकलने वाले नहीं चमकते महाराज, रोशनी में से जो निकलते वो चमका करते हैं, इसलिए सत्संग से जो निकलते हैं वो रोशनी में से निकलते, इसलिए चमकते हैं, इसलिए चमकते हैं। सिनेमा हॉल से जो निकलता है वो खोके निकलता है, रुपया खोया, समय खोया, शरीर खोया, आंखों में जलन दर्द होने लग गया, बैठे बैठे कमर अकड़ गई, लेकिन कथा से जो निकलता वो खोके नहीं निकलता है। टाइम बोले सफल हो गया, शरीर बोले आराम से, और पाया क्या, प्रसाद पाया, ज्ञान पाया, बोलो। खाली कोई नहीं निकलता, खाली कोई नहीं निकलता कथा से। चोर भी आ जाए तो वो भी कोई बढ़िया जोड़ी जूतों की लेके जाता है।
सत्संग से खाली तो कोई नहीं जाता, जो आता है वो पाके जाता है। सिनेमा में सब खोके निकलते हैं और सत्संग में सब पाके निकलते हैं महाराज। इसलिए सिनेमा में से जो निकलते हैं उनको समझदार कहते हैं और सत्संग से जो निकलते हैं उनको पागल कहते हैं। लेकिन पागल किसको कहते हैं? ऐसा हमने संतों के मुख से सुना, पागल यानी कुछ गल कहते हैं बात को। तुसी की गल है तो गल कहते हैं बात को, जो कुछ पाकर के फिर गल करता है उसको पागल कहते हैं। इसलिए महाराज सत्संग से जो निकलते हैं उनको पागल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहां से ठाकुर को पाकर फिर गल करते हैं, यहां से ज्ञान पाकर के फिर निकलते हैं, इसलिए वो पागल है नाथ। तो नारायण सनत कुमार को बिठाया व्यासपीठ पर और कथामृत के लिए सबके तरफ सूचना भेजी। नारद जी ने सब जगह समाचार भेज दिया, भाई आ जाओ आ जाओ, कथा होने वाली है, पधारो पधारो। नाथ उस समाचार को जिस जिसने भी सुना कि कथा होगी कथा होगी, जिसके पास भी समाचार गए कथा के, सब अपना अपना घर छोड़कर कथा सुनने के लिए आ गए। भृगु ऋषि जो लोग नहीं आ रहे थे उनको समझा समझा के भृगु ऋषि लेके आए कि चलो चलो कथा में चलो भाई। किसी ने कहा महाराज सर में दर्द है। अरे ये सर का दर्द तो निकल जाएगा, लेकिन युगों युगों से भटकने का जो दर्द है वो दर्द मिट जाएगा। चल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम संसारे कलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए ये संसार के दुख तो चलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है आवागमन का। कितनी बार संसार में जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार मां के गर्भ में आए, भटक रहे, ये आवागमन मिट जाएगा। इसलिए भागवत में चलो कथा में चलो। इस प्रकार समझा समझा के भृगु ऋषि सबको कथा में लाए और यहां पर श्री सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया। आइए सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा। सदा सेवन करो सदा सेवन करो। किसका? बोले श्रीमद भागवती कथा। श्रीमद श्रीमद भागवत कथा का सदा सेवन करो। क्या होगा भाई? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा। होगा क्या? यस्या श्रवण मात्रेण यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये हरिश्चित्तं समाश्रये सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा। सदा सेवन करो किसका? बोले श्रीमद भागवती कथा। क्या होगा? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयत। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि चित्त में आकर के विराजमान हो जाएंगे। बोलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस कथा को सुनो और ठाकुर जी आकर के आपके मन में बैठ जाएंगे, आपके चित्त में बैठ जाएंगे भगवान आकर के, एकदम नजदीक आ जाएंगे, एकदम समीप आ जाएंगे महाराज। इस कथा को सुनने से ये लाभ है। सदा सुनो क्यों? बोले क्योंकि यस्या श्रवण मात्र ने इसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते।
प्रभु नजदीक आता है कथा सुनने से मेरे भाई बहन। राम रसिया हे गोपाल रसिया, राम रसिया गोपाल रसिया, अरे थोड़ा नेड़ा नेड़ा जानो किने के है? किसको कहते हैं? पास में थोड़ा अरे थोड़ा नेड़ा बसो नी मारा राम रसिया, थोड़ा नेड़ा बसो नी मारा राम रसिया। इस कथा को सुनने से ठाकुर जी नेड़ा आवे, भागवत सुनियो भगवान नजीक आवे, नेड़ा आवे। राम रसिया रे गोपाल रसिया, राम रसिया रे गोपाल रसिया, हे राम रसिया रे गोपाल रसिया, राम रसिया रे गोपाल रसिया, थोड़ा नेड़ा बसोनी मारा राम रसिया, थोड़ा नेड़ा बसोनी मारा राम साथ में होद बनाते, पानी इकट्ठा करते हैं, फिर बच्चे नहाते। सखी कहती है आपरे कारण सवरा होद बनायो, आपरे कारण ओरा।
बसोनी मारा राम रसिया थोड़ा घेरा धन सब था परवार धन मन सब था परवार सदाई मारे घर रे वो रसिया सदाई मारे घर रे वो रसिया थोड़ा नेड़ा नेड़ा थोड़ा नेड़ा बसोनी मारा बसो मारा राम रसिया अरे मन राम बसो मारा राम रसिया राम रसिया गोपाल रसिया राम रसिया गोपाल रसिया राम रसिया गोपाल रसिया राम रसिया गोपाल रसिया बसोनी मारा राम रसिया थोड़ा नेड़ा 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 बसोनी मारा राम सनत कुमार भागवत जी का महात्म्य कहते हुए कहते सदा सेव्या सदा सेव्या। ये श्रीमद् भागवत जी का सबसे बड़ा महात्म्य है कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। और क्या चाहिए, बुलाने पर महाराज नौकर भी तीन चार बार बुलाओ तब आता है, उसको तनखा देते हो फिर भी वो आने में जोर दिखाता है। बहू नहीं आती बुलाने पर,
आखिर थक्कार करके सासू कहती का तो एड़ी जे प्रभु। लेकिन भगवान कैसे हैं कि बुलाने की दरकार नहीं है, बुलाने की जरूरत नहीं है, खाली कथा सुनने बैठो और ठाकुर आकर के चित्त पर बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी महिमा है इस श्रीमद् भागवती कथा की। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हे महाराज, जिसने एक बार भी अपने जीवन में चित्त लगा करके इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर लिया, फिर उसके सामने अमृत भी कुछ नहीं। ऐसा है ये कथा अमृत, इसके आगे अमृत भी कुछ नहीं है भाई। अमृत भी क्या है? अरे भाई, अमृत तो जो पीता है उसको, अमृत पीने वाले की आयु बढ़ती है, लेकिन जन्म मरण का दुख तो अमृत भी नहीं मिटा सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत का अमृत कैसा है कि जन्म मरण का दुख मिटा देता है। इस श्रीमद् भागवत अमृत की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आहा, और सबसे बड़ी बात, यह श्रीमद् भागवत अमृत अत्यंत मधुर है। एक दवाई हमने देखी, उस दवाई का पहले कुछ नाम था, पीछे अमृत शब्द लगा हुआ था, कुछ नाम था दाक्षामृत या कुछ और, कुछ ऐसा नाम था, नाम पहले कुछ था, पीछे अमृत लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने वो दवाई पी तो इतनी कड़वी थी, इतनी कड़वी थी पूछिए मत। तो हमने कहा नाम तो लिखा है अमृत और दवाई इतनी कड़वी? बोले दवाई स्वाद में कड़वी है लेकिन इसका फायदा अमृत जैसा है, एकदम स्वस्थ कर देती है इसलिए। लेकिन तो संसार में कई दवाई ऐसी है, औषधि ऐसी है जो होती है कड़वी, लाभ तो देती लेकिन कड़वी होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत अमृत कैसा, स्वाद में भी मीठा और लाभ में भी मीठा है, स्वाद में भी मधुर है। बोले महाराज, पहले दिन कैसे कह दे स्वाद में मधुर है? 7 दिन सुनेंगे, उसके बाद निर्णय देंगे कि मधुर है या नहीं है। कोई चीज को खाने से पहले उसके स्वाद का पता कैसे लगाया जा सकता है? लेकिन सुत जी महाराज कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं कि ये भागवत ऐसा अमृत है कि जिसको खाने से पहले पता चल सकता है कि ये बड़ा मधुर है। कैसे? पिबत भागवतम रसमालयम सुगमुखा द्रवमृत संयुतम। बोले ये भागवत का फल ऐसा है जो खाने से पहले ही बता सकते कि अत्यंत मीठा है। कैसे? एक छोटा बालक अमरूद के पेड़ पर चढ़ा, ध्यान से सुनना, एक छोटा बालक अमरूद के पेड़ पर चढ़ा और उस अमरूद के पेड़ पर चढ़ करके 10-12 अमरूद तोड़ ले आया और मां के आगे रख दिया और मां को कहा, बता मां कौन सा खाऊं कौन सा न खाऊं। मां ने उसमें से एक अमरूद निकाला और कहा कि ले ये खा, ये बहुत मीठा है। तो बच्चा बोला कि मां तूने खाए बगैर कैसे पता लगा लिया कि ये मीठा है? तो मां ने कहा, बेटा इस अमरूद के फल के ऊपर तोता की चोंच लगी हुई है, तोते ने इसको चखा है, तोते ने जिस फल को चखा है वो फल निश्चित रूप से मीठा है, इसलिए तू खा ले मीठा लगेगा। बच्चे ने खाया, मीठा लगा। तो जिस प्रकार अमरूद के फल को लौकिक तोते की चोंच लग गई तो वो फल मीठा हो गया, इसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को शुक तोते ने इसका आस्वादन किया, इसलिए ये भी मीठा है महाराज, इसकी भी गारंटी हो गई। लौकिक शुक के आस्वादन करने से अमरूद मीठा है, तो श्रीमद् भागवत का शुकदेव जी के आस्वादन करने से वो श्रीमद् भागवत रूपी फल भी मीठा है। शुकमुखा द्रवमृत संयुतम। आहा, करुणा निदान ऐसा है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मिठाई बनती है ना, बेसन की चक्की बनती है तो उसमें आधा बेसन, इतना घी, इतना, पूरा का पूरा शक्कर नहीं होता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत क्या पूरा मधुरता से भरा हुआ ग्रंथ है, रसमालयम। एक दो छटांग रस हो, आधा रस आधा, ये नहीं,
पूरा ही रस है, रस मालयम। पीने वाले की खामी है महाराज, पीने वाले की खामी है। करुणा निधान, एक व्यक्ति दूध में पानी मिला मिला के पी रहा था। उसको पूछा, भैया दूध में पानी मिला मिला के क्यों पी रहे हो? बोले, पूरा दूध पचता नहीं। तो महाराज, जिसको पचता नहीं उसकी तकलीफ है, बाकी दूध की कोई कमी नहीं है महाराज। मेरे प्रभु, ऐसे ही भागवत में रस की कमी नहीं है, रस लेने वाले होने चाहिए, रस लेने वाले होने चाहिए। ऐसा ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ है भाई। भक्ति महारानी उस सभा में प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, सब लोग आश्चर्य करने लगे, ये देवी कौन है, ये देवी कौन है, ये देवी कौन है। तब नाथ कहा कि भागवत के प्रेम रस से, भक्ति रस से पुष्ट हुई ये भक्ति महारानी है, और इनके दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य जो भागवत के प्रभाव से एकदम प्रसन्न हृष्ट पुष्ट और जागृत हो गए। नाथ, इसके बाद भक्ति महारानी नारद जी को कहती है, नारद जी महाराज, आपने मुझे जागृत करने के लिए बड़ा अद्भुत उद्योग किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके इस प्रयास से, मेरा कष्ट दूर हो गया, बताइए मैं आपको क्या दूं, आपके वरदान मैं आपको क्या प्रदान करूं, मुझे बताइए। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, हे भक्ति महारानी, यदि तुम हमको कुछ देना चाहती हो तो ऐसा वरदान दो, ऐसा हमें वचन दो कि जहां जहां भी श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी वहां पर तुम इसी प्रकार जाओगी, और जो लोग भी बैठ करके कथा सुन रहे हैं उन सबके हृदय में जाकर तुम बैठ जाओगी, इसलिए ये तुम वचन दो। भक्ति महारानी ने ततास्तु कहा। इसलिए मेरे भाई बहन, कथा जो सुनते हैं उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से भक्ति प्रकट होती, सुने जब हो, कथा देखना और होता है, सुनना और होता है। कुछ लोग कथा देखते, उनकी वृत्ति क्या, कौन आया उसको देखेंगे, अच्छा हमें आइए, कौन गया उसको देखे, अच्छा बीच में से जा रहे, कोई पानी पी, अच्छा पानी पी रहे, कोई सुपारी खाए तो उसको देखे, अच्छा सुपारी देख खा रहे, कोई फोन उठावे तो अच्छा फोन उठा लिया, अच्छा ये, अच्छा देखो लाइटें कैसी चल रही, अच्छा देखो पंखे कैसे चल रहे, अच्छा देखो वो कैसा वो कैसा। ये है कथा देखना, और कथा सुनने वाले को मेरे भाई बहन कौन आया उससे मतलब नहीं, कौन गया उससे मतलब नहीं, क्या है उससे मतलब नहीं, क्या नहीं है उससे मतलब नहीं, उसे मतलब है तो बस ये कथा के शब्द मेरे कानों में पड़ते रहे, बस और कुछ। ये है कथा सुनना मेरे प्रभु। प्याऊ के ऊपर एक प्यासा आदमी चढ़ता है ना, तो वो पानी पीने के अलावा और किसी दूसरी बात का ध्यान नहीं रखता। दो आदमी प्याऊ पर चढ़े, वापिस उतरे, घर पहुंचे, उनके गुरुजी ने पूछा, रास्ते में कहीं रुके थे? बोले हाँ प्याऊ पर रुके थे। पूछा, भाई बताओ प्याऊ किसने बनाई थी, प्याऊ का नाम क्या था? उसने कहा, गुरुजी मुझे तो नहीं पता प्याऊ किसने बनाई और प्याऊ का नाम क्या था। बोले पानी पिया था? बोले पानी तो पिया था, लेकिन प्याऊ किसने बनाई और प्याऊ का नाम क्या था मुझे नहीं पता। दूसरे को पूछा, भैया तुमने पानी पिया? बोले हाँ पिया। प्याऊ का नाम क्या था? बोले प्याऊ का नाम था भगवती प्याऊ। अच्छा प्याऊ बनाने वाले का नाम क्या था? बोले प्याऊ बनाने वाले का नाम था रामलाल, छगनलाल, मगनलाल, और बस ये बस वो नाम था, ये सेठ जी, ये परचून वाले, ये दुकान का नाम, ये प्याऊ का नाम था। अच्छा, गुरुजी ने कहा, तो इसका मतलब प्यास इसको लगी थी तुझको नहीं। बोले कैसे नहीं लगी, मैंने भी तो पानी पिया। बोले नहीं भाई, अगर तुझे सच में प्यास होती तो प्याऊ का नाम पढ़ने की, प्याऊ बनाने वाले का नाम पढ़ने की फुर्सत कहाँ मिलती। प्यासा तो ये था जिसने पानी पीने के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं किया। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन, जो सच्चा कथा रसिक होता है, जिसके हृदय में कथा की प्यास होती है, वो कथा सुनने के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं करता, और जो कथा की प्यास नहीं, ओ मेरे भाई बहन बातें करते रहो, बताते रहो, हाँ देखो हमें आई है, हाँ वो देखो वो जा रहे हैं, ओ देखो अब ये होगा, अब वो हुआ, वो ये हुआ। उनको पूछ लो कि आज कथा में क्या सुना, तो कहेंगे बहुत बढ़िया सुना,
बढ़िया क्या सुना, अच्छा ही सुना, अच्छा क्या सुना, जोरदार सुना, अरे जोरदार क्या था, बोले एकदम बढ़िया, अरे कुछ बताते सही है, पंखा बहुत लागी उड़ा था, प्रसाद बढ़िया दियो, गीता भी चाहिए उड़ा, ये सब बातें बोल देंगे, लेकिन कथा में क्या सुना वो उसका पता नहीं। वैष्णव कथा का वर्णन करेगा और संसारी कथा की व्यवस्था का वर्णन करेगा। आप पहचान कर लेना कौन संसारी है कौन भक्त है मारा। भक्त होगा उसको गद्दों से मतलब नहीं, पंखों से मतलब नहीं, उसको पूछो कथा में क्या मिला तो कथा के प्रसंग बताएगा, आज कथा में वृंदावन का प्रसंग आया, आज कथा में नारद जी का प्रसंग आया, ऐसी बात हुई, ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा भजन हुआ। और संसारी के आज कथा में मंत्री जी आए, आज कथा में अमुक सेठ जी आए, उन्होंने ये किया, उनको माला पहनाई, उनको स्मृति चिन्ह दिया, वो किया, वो आरती करी, उसने प्रसाद खाया, वो ये सब बताया ना, क्या कर? कथा की प्यास होना बहुत कठिन है भाई, क्योंकि ये आत्मा से रिलेटेड मामला है। शरीर से जो चीज जुड़ी हुई है वो तो बहुत जल्दी जागृत होती है, लेकिन ये आत्मा की बात है नाथ। खैर, श्री सुत जी महाराज कहते हैं, सनत कुमारों ने आगे कथा का वर्णन किया, श्रीमद भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यहां पर बड़ा विचित्र शब्द आया, श्रीमद भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हमारे महाप्रभु श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि इन प्रेत भगाना है, भूत भगाना है, कोई लौकिक कामना के लिए भागवत का वाचन करना तो बड़ा हेय काम है, बड़ा निम्न काम है, अपराध है, नरक में जाने का रास्ता है, फिर महाराज लिखा क्यों धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, लिखा क्यों? तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, दवाई अद्भुत होती है तो रोग भी अद्भुत होता है, दवाई जोरदार है तो फिर रोग भी जोरदार होता है। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, लेकिन ये कौन से प्रेत? जो प्रेत सांसारिक साधनों से नहीं भागते हैं वो प्रेत। अब कोई दूसरा भूत पलित घुस गया उसको तो कोई ओझा झाड़ फूंक वाला तांत्रिक निकाल देगा, लेकिन मन के अंदर जो कामना का भूत, सांसारिक वासनाओं का भूत, काम क्रोध का भूत, ये भूत नहीं निकलते, इन भूतों को, इन प्रेतों को निकालने के लिए इन भूत प्रेतों को निकालने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए इसका उपयोग किसी पड़ोसी का भूत घुस गया, किसी उसका भूत घुस गया, वो भूत निकालने के लिए नहीं, उसके लिए तो तांत्रिक पर्याप्त हैं। ये श्रीमद् धन्या भागवती वार्ता कैसे प्रेतों का नाश करती है? क्रोध का, काम का, लोभ का, अहंकार का, वासनाओं के जो प्रेत हैं, इन प्रेतों का नाश होता है भागवत जी की कथा सुनने से। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और दूसरा मेरे भाई बहन, हमारे ठाकुर जी कभी कभी थोड़ा ऐसा बोल देते हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेम पीड़ा विनाशिनी। गोपियों ने, उद्धव जी ने गोपियों को कहा कि अरे गोपियों, जब श्याम सुंदर ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया, तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हें दुखी छोड़कर चले गए, कहां सावन के महीने में तुम श्याम सुंदर के साथ झूला झूलती थी और कहां श्याम सुंदर चले गए? अरे मेरे श्याम गए मुख मोड़, अकेली छोड़ के सुंदर आली, झूला पड़ा है खाली। मेरे श्याम गए मुख मोड़, अकेली छोड़ के सुंदर आली, झूला पड़ा है खाली, झूला पड़ा है खाली। सावन का महीना आया है, सावन का महीना आया है,
रही है तीज और गया है सावन। सावन का महीना आया है, सावन का महीना आया है, और कुंज में झूला लगाया है, और कुंज में झूला लगाया है, पर श्याम तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे सखी, जब श्याम सुंदर तुमको छोड़ गए तो फिर पीछे से तुम उनका इतना गुणगान क्यों करती हो? तो गोपी कहती है, हे उद्धव, अब ये गुणगान ही तो हमारे जिंदा रहने का एक सहारा है। अगर ये भी छूट जाएगा तो हम तुरंत मर जाएंगी, और हम मर जाएंगी तो श्याम सुंदर को कलंक लगेगा, हमारे प्रियतम को कोई कलंक ना लगे, इसलिए हम उसका गुणगान गागा करके जिंदे हैं, जीवित हैं। तो भैया, गोपी कहती कि उसका गुणगान करने से हमारी जो वो पीड़ा है वो थोड़ी शांत हो जाती है, इसलिए वो गुणगान क्या, वो गुणगान ही तो भागवत की कथा है, इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेम पीड़ा विनाशिनी। थोड़ा प्रेम में जो पीड़ित हृदय है उसमें भी थोड़ा आराम मिलता है। नाथ, एक बड़ा अद्भुत कथा प्रसंग सुनाया श्री सनत कुमारों ने। आहा, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस आत्मदेव ब्राह्मण के धुंधुली नाम की स्त्री थी। भाई, नाम तो धुंधुली और काम भी धुंधुली, धुंधली धुंधलापन जानते हैं ना, धुंधलापन, अस्पष्ट दिखना। तो उस धुंधुली के काम भी अस्पष्ट थे, करती क्या थी, कहती क्या थी और सोचती कुछ और ही थी। करे कई ने कहवे कई, उनरो नाम के कई, जो कहे और सोचे और करे कुछ और, ऐसे विचित्र स्थिति वो धुंधुली थी महाराज। और दूसरा, उसके अंदर आलस्य तो मेरे भाई बहन ऐसे बस गया था कि पूछो मत। आलस्य के बगैर तो उसको जब देखो आलस्य में पड़ी रहती थी। सुबह उठते ही स्नान नहीं करती थी। घर में पति कहता कि अरे उठ के स्नान कर ले, तो कहती कि मैं तो, ऐसा कहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो स्नान कर ले उसको साल भर तक गंगा स्नान करने का पुण्य मिलता है, इसलिए मैंने तो पूर्णिमा को स्नान कर लिया, इसलिए अब रोज रोज नहाने की मुझे जरूरत नहीं। ऐसी महान सोच वाली वो धुंधुली स्त्री महाराज स्नान करती नहीं। और काम क्या उस धुंधुली का, दिन भर गांव में घूमना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, घर घर जाना और बातें सुनना और लोगों को भिड़ा भिड़ा के लड़ाना, यही उसका काम था। मेरे भाई बहन, ऐसी वो आलसी स्त्री थी। लोगों के घर के सामने से निकलती थी, ओढ़ना नीचे तक लटकता रहता था, स्नान नहीं करने से माथे में जुएं और पड़ गई थी। कवि कहता है, ओढ़ना नीचे तक लटकता रहता है, ऐसे पीछे तक चलती तो ऐसे पीछे पीछे जा 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 जा। जिसके घर के सामने से निकलती वो घर वाले राजी होते कि चलो आज अच्छा हुआ घर के आगे से निकली। खुश क्यों होते, बोले घर के आगे से निकलती तो अपने ओढ़ने में कचरा भी साथ साथ आगे ले जाती। अरे अरे अरे,
अरे दो हाथ ओढ़ियू लटकायू चाले और फिरती डगर बुहारे, ओढ़ियू लटकायू चाले और फिरती डगर बुहारे, और दो हाथा सू माथो कुचरे चट चट जुआ मारे। ऐसी उसकी स्थिति थी, ओढ़ना लटका के चले, जुए खोज खोज के, क्यों ना नाए तो जुए ही पड़े ना और क्या पड़े, कोई फूल थोड़ी उगेंगे सिर में। अब उनको मारती रहती, ऐसा स्वभाव था महाराज। गांव के सब लोग दुखी थे जैसे ही वो दिखती थी कि हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर देते थे महाराज। एक ही उपाय, नाथ ऐसी वो धुंधुली स्त्री थी। पति ने एक दिन धुंधुली को कहा कि अरे तू कुछ तो अपना ध्यान किया कर। बोले नहीं मैं तो अच्छे से हूं, मौज में हूं। मेरे भाई बहन, स्त्री को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। आलस्य करते ही स्त्री की महिमा एकदम खत्म हो जाती। इसलिए माताओं बहनों से विशेष प्रार्थना है, अपने जीवन में आलस्य कभी मत रखो। जो काम जब करना है तुरंत कर लो। अपने घर के काम के लिए नौकरों के भरोसे मत रहो। पति घर में आके भूखा बैठा रहता है, पत्नी को कहता है रोटी खिला दे कि आ रही है रोटी बनाने वाली, बना के देगी। अरे तो पचे थने क्यों लाया। मेरे भाई बहन, घर में 12 बजे तक सफाई नहीं होती है, 12 बजे तक घर में कचरा पड़ा रहता है। घर में सासू चिल्लाती, अरे चौक में फूस पड़ा है, चौक में कचरा पड़ा है। बोले कचरा निकालने वाली आई नहीं है, तू घर में बैठी है किस लिए, कचरा करने के लिए प्रभु। इसलिए माताओं बहनों से विशेष प्रार्थना है, घर के काम के लिए नौकरों के भरोसे मत रहो कि नौकर आएंगे तभी घर का काम होगा। अगर ऐसा आपने सोच लिया तो फिर मेरे भाई बहन शरीर बीमार हो जाएगा। नौकरों के भरोसे घर का काम शुद्ध नहीं होता है, उसको क्या लेना देना है। मेरे भाई बहन, घर में हमारी घर में जब हमारी माँ झाड़ू निकालती है, घर में जब हमारी माँ झाड़ू निकालती है तो उसको झाड़ू निकालने में 1.5 घंटा लगता है, और उसी घर में एक नौकरानी झाड़ू निकालती है 15 मिनट में साफ, सर 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 सर, उसको क्या लेना देना। माँ झाड़ू निकालती तो कोने में से, लकीरों में से, सबसे कचरा अच्छे से, और नौकरानी को तो दूसरा घर दिखता है, इसलिए वो सोचती है कि एक बार सेठानी जी को चमक दिख जाए फिर वाह, फिर हो जो हो। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने घर के काम काज के लिए नौकरों के भरोसे ना रहो। कम से कम अपने रसोई घर में तो नौकरों को जाने मत दो। रसोई घर में तो घर की जो घर की लक्ष्मी है उसी को जाकर रसोई बनानी चाहिए। घर की लक्ष्मी रसोई बनाएगी तभी तो घर वालों में अच्छे संस्कार आएंगे। अब वो रसोई बनाने वाली अपने पति से झगड़ा करके आती है और उसी क्रोध के अंदर वो रोटियां बनाती है तो घर के लोग उसी भाव की रोटियां खाते हैं तो उनके अंदर भी वो क्रोध का ही संस्कार आता है। फिर के आज मेरे साहब मुझसे लड़े क्यों, ये तो एकदम सीधे हैं। सीधे क्या, रोटियां यारी खाई, लड़ेंगे नहीं तो क्या करें। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान दें, रसोई घर में माताओं बहनों को, अपने घर की माताओं बहनों को ही रसोई बनानी चाहिए। घर में कोई साधु महात्मा ब्राह्मण आवे तो घर की स्त्रियों को खुद को भोजन बना के उनको खिलाना चाहिए, ऐसा मौका कहाँ पड़ता है। ठाकुर जी को भोग लगता है इसलिए अपने घर में रसोई में खुद ही बनावे, अपने ठाकुर जी की सेवा खुद ही करें, अपने घर में पानी भरने का काम खुद ही करें। महाराज आपको पता है पहले माइयाँ 3 काम खुद करती थी, पानी भरती थी माई खुद भरती थी, खुद जाती थी पानी लेने के लिए कुएं पर, पनघट पर, तालाब पर खुद जाती थी पानी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जेड़ो पिए पानी वेड़ी होए वाणी। अगर पानी कोई और भरेगा तो उसका जैसा भाव होगा वैसा पानी में असर आ जाएगा तो घर वालों की वाणी बिगड़ेगी, इसलिए माई खुद भरती थी। भले 2 किलोमीटर पैदल जाना होता तो जाती थी लेकिन खुद लाती थी। क्यों? संस्कार बचे रहेंगे इसलिए। अब सब काम दूसरे लोग करते हैं, हम तो खाली यूं करे तो बस भाई ये हो गए। इसलिए मेरे भाई बहन, स्त्री को कभी आलस्य नहीं रखना चाहिए। अपने घर में भगवान की सेवा खुद करे,
अपने घर में पानी खुद भरे, परिंडा खुद भरे, अपने घर में माता पिता की सास ससुर की सेवा खुद करे, अपने घर में साधु संत ब्राह्मण को भोजन खुद करावे, तभी उसको लाभ मिलता है ग्रस्त का महाराज। खाली घर बना के बैठ गए घर में, उससे ग्रस्त धर्म थोड़ी होता है, ये सब ग्रस्त धर्म है। लेकिन उस धुंधुली को तो ये सब बातें फालतू लगती, वो तो कहे खाओ पियो नींद ले वही सार की बात, खाओ पियो नींद ले यही सार की बात, बाकी बातें फिजूल है भैया, करो रोज आराम, यही सार उसको लगता था। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी अपने कोई संतान नहीं है, कैसे करें, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ये जो धन है इस धन को कौन भोगेगा, इस धन का आखिर उपयोग क्या होगा। धुंधली बोली, धन की चिंता आप मत करो, मैं सब निपटा दूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, तुझे तो इसकी चिंता पड़ी, मैं तो सोचता अपने लिए तर्पण कौन करेगा, यज्ञ याग कौन करेगा। बोले ये सब छोड़ो। आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े दुखी हुए कि अगर संतान नहीं है तो फिर तो मर जाना ही अच्छा है, और वो मरने के लिए चला गया। मेरे भाई बहन, व्यक्ति के पास आत्मा तो है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, ध्यान देना, व्यक्ति के पास आत्मा है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, और आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति आत्महत्या करता है। बुद्धि कभी भी आदमी को रोकती नहीं आत्महत्या करने से मेरे भाई बहन, क्यों सोचो, कोई आदमी फांसी लटका के फांसी खाके मरता है तो क्या उसको तकलीफ नहीं होती है, तो उसकी बुद्धि उसको कहती नहीं कि तकलीफ होगी मत मर। कुएं में कूद के मरता है तो क्या उसकी बुद्धि कहती नहीं, अरे भाई एक नाड़ा अगर जोर से लग जाए, कमर में नाड़ा अगर थोड़ा जोर से लग जाए तो व्यक्ति ढीला करने की कोशिश करता है, कमर पे नाड़ा जोर का लग गया उसमें बुद्धि ने कहा कि नाड़ा ढीला कर, और वह गर्दन में रस्सी लगने पर बुद्धि कहती नहीं ढीली कर। मेरे भाई बहन, सड़क पर बरसात का पानी बह रहा होता है उसमें आदमी धोती ऊपर करके बच बच के चलता है तो बुद्धि कहती बच बच के चलो, तो जब वो आदमी कुएं में गिर के मरता तो बुद्धि नहीं कहती कि पानी में क्यों डूब रहे हो। मेरे भाई बहन, गरम चाय को, गरम दूध को जो व्यक्ति फूंक लगा लगा के पीता, बुद्धि कहती फूंक लगा के पी नहीं तो जीभ जल जाएगी, वो व्यक्ति जब आग लगा के मरता तो बुद्धि नहीं कहती तुझको तकलीफ होगी, क्योंकि बुद्धि को जीव से कोई लेना देना नहीं है महाराज। तड़पती है तो आत्मा, लेकिन उस आत्मा का कुछ चलता नहीं, क्यों, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। बड़े से बड़े बुद्धिमानों को मरते देखा है भाई, बिना मौत खुद जानबूझ के मरे बुद्धिमान, पढ़े लिखे लोग लटक के मर जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जहर खा के मर जाते हैं, अरे करेले का साग खाते में जोर आता, बुद्धि कहती करेला कड़वा कैसे खाओगे, जहर खाते समय बुद्धि नहीं कहती कैसे खा रहे हो, क्योंकि बुद्धि को जीव के कल्याण अकल्याण से कुछ मतलब नहीं है, बुद्धि को तो भोग भोगने से मतलब है। इसलिए नारायण और आत्मा की बात मानते नहीं, आत्मज्ञान है नहीं, आत्मज्ञान के अभाव में आत्महत्या जीव करता है। तो नाथ, आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने को गया, मार्ग में संत मिले, उन संत भगवान को प्रणाम किया। संतों ने सोचा कि भाई जंगल में आदमी घूम रहा है तो साधु बनने ही आया होगा, तो महाराज जी बोले कि आजा बच्चा आजा, भजन करेंगे दोनों मिलके, हम बड़े सिद्ध हैं, तेरी सब तकलीफ मिटा देंगे, आजा भजन करेंगे। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि साधु तो बाद में बनेंगे, पहले सुख तो भोग ले, और पकड़ लिए बाबा जी के चरण, और बाबा जी के चरण पकड़ के कहे महाराज मुझे तो बेटा दो। अरे बाबा जी बोले कि मैं तो तुझे माला दे सकता हूं, भजन का मंत्र दे सकता हूं, बेटे कोई मैं लिए थोड़ी घूमता हूं। बोले नहीं, मुझे वरदान दो, मुझे बेटा दो। बाबा जी बोले कि मेरे बस में नहीं है बेटा देना। बोले बेटा दो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा आपके सामने, सिर फोड़ फोड़ के। लो, दो हाथ से पांव पकड़ लिए बाबा जी के और फिर माथा फोड़ लिया। महाराज
बाबा जी बोले रे ये कहां फंस गया मैं, मैंने तो सोचा एक चेला मिल गया उसके साथ होने से थोड़ा भजन में सुविधा होगी महाराज, सुविधा की चाहना में ही व्यक्ति फंसता है भाई, सुविधा की चाहना में व्यक्ति फंसता है। तो नारायण चल पड़े सुविधा की चाहना पर व्यक्ति। अब वो साधु बाबा ने कहा भैया अब क्या करें, अब वो मरूं, अब बाबा जी ने सोचा कि ब्राह्मण मर जाएगा तो पाप लगेगा, इसलिए बाबा जी ने अपने झोले में से एक फल निकाला और फल निकाल कर आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा कि ये फल ले जा और ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना और पत्नी को कहना आचार विचार का ध्यान रखे, भगवान का भजन करे तो जरूर बेटा हो जाएगा। अब वो धुंधुली को लाकर फल दिया, अब धुंधुली भला उस फल की महिमा क्या समझे, मार माया का मजूर क्या जाने बंदगी। उस धुंधुली ने सोचा कि फल खाने से बेटा होते तो आज कई फल खाका के लुगाया मां न बन गई होती। उसने वो फल गाय को खिला दिया और मेरे भाई बहन इस भूमंडल पर गो माता जैसा सात्विक तो कोई दूसरा है ही नहीं। गाय के पेट में रू का सूखा कचरा जाता है वो भी गाय के पेट में जाकर के अमृत तुल्य दुग्ध बन जाता है, तो फिर साधु का प्रसाद जब गाय के पेट में जाएगा तो ज्ञान का साक्षात अवतार कैसे नहीं होगा हमारा, निश्चित रूप से हो सकता है। ऐसी हमारी गौ माता की महिमा है। संसारिक मां एक संसारिक प्राणी कोई जन्म दे सकती है लेकिन गौ माता की क्षमता ऐसी है कि वो खाली बछड़ों को ही नहीं पैदा करती, गौ माता की क्षमता ऐसी है महाराज कि वो गोकर्ण जैसे ज्ञान के साक्षात अवतार जो है उनको भी प्रकट कर सकती है महाराज। गाय मनुष्य को पैदा कर सकती है लेकिन मनुष्य गाय पैदा नहीं कर सकता है। चारों ओर हरियाली हो गई महाराज, बरसात बहुत अच्छी हो गई, चारों तरफ हरियाली हो गई, मन बहुत प्रसन्न है, मेरा भी प्रसन्न है क्योंकि पिछले साल अकाल के कारण मन में बड़ी पीड़ा थी, अभी मन बहुत प्रसन्न है। लेकिन फिर भी मन में एक खटका है, क्या हरियाली तो बहुत हो गई लेकिन उस हरियाली को खाने के लिए गौ माता कहां से लाएं बताओ, गौ माता कहां से लाएं। पूरे गांव को महाराज भैंसों से भर दिया है, पूरे गांव को वो विदेशी दूध देने वाले पशुओं से भर दिया है, गोपाल को प्रिय लगने वाली गौ माता दिखती नहीं है, दिखती है तो गिनी चुनी महाराज। मेरे भाई बहन गौ माता की क्षमता है कि वो मनुष्य पैदा कर सकती है लेकिन मनुष्य में क्षमता नहीं कि वो गाय पैदा कर सके। इसलिए मेरे भाई बहन दिन दिन बढ़ रहे भारत के गोवध पर चिंता करो, प्रयास करो, अपने अपने स्तर पर एक एक हिंदू एक एक गाय को बचाने की कोशिश करे तब जाकर गोवंश बचेगा। ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए गौ माता खाली तस्वीर में रह जाए कि बेटा ऐसी गौ माता हुआ करती थी। अगर ये हर हिंदू के हृदय में गो भक्ति जागृत हो जाए और प्रत्येक हिंदू एक गाय को बचाने का संकल्प कर ले तो आज इस भारतवर्ष से गोवध का कलंक मिट सकता है। लेकिन स्वार्थ भी, हम हिंदुओं के ऊपर स्वार्थ भी इस कदर हावी है महाराज कि एक गाय को बचा भी लिया तो क्या किस लिए बचाया, कि दूध देगी कि नहीं देगी, और उस गौ माता ने दूध दिया तो उस गाय को संभाला, और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उस गाय को या तो सड़क पर छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, गौशाला में छोड़ दिया, अथवा किसी द्रव धन देकर के ले जाने वाले के हवाले कर दिया, अथवा कभी कभी तो कसाई तक के हवाले कर देते हैं स्वार्थ के। हर हिंदू यह सोचकर कि मुझे दूध मिले चाहे न मिले ये गौ माता मुझे आशीर्वाद तो देगी, इसके अंदर जो साक्षात परमात्मा बैठा वो परमात्मा तो मेरी सेवा को स्वीकार करेगा, इसलिए मुझे अपने घर में गाय रखनी, इसलिए मुझे गौ सेवा करनी है, ये भाव से गौ माता की सेवा करें। दूध मिले इसलिए गौ सेवा करें, घी मिले इसलिए गौ सेवा करें, ये तो एकदम छोटी बात है। हमें गौ माता का आशीर्वाद मिले, गाय के अंदर बैठा हुआ ठाकुर राजी हो जाए, ये गोपाल राजी हो जाए, इसलिए गो सेवा करना ये सबसे उत्तम बात। इसलिए नाथ
नारायण मेरे प्रभु। गो माता ने उस फल को खाया, समय आने पर गो माता के गर्भ से एक मनुष्य बालक ने जन्म लिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था, खाली कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण हुआ। उनका नाम गौकर्ण हुआ। और दुंदुली ने तो पाड़ोसन के बच्चे को लाकर अपने घर में रख लिया, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। वो धुंधुकारी अत्यंत पाप प्रवृत्ति का हुआ और गौकर्ण जी सात्विक वृत्ति वाले हुए। मेरे प्रभु, कुछ समय बाद गौकर्ण जी ने आकर अपने पिता को समझाया, हे पिताजी, पुत्र में सुख है, पुत्र में सुख है, इस लोभ से आपने कितने समय तक संसार भोगा, लेकिन क्या पुत्र ने आपको सुखी किया? संसार हमको सुखी कर देगा? ये बड़ा भारी बहम है। गुड़िया के बाल देखे हैं आपने? बचपन में एक खिलौने वाला आता था, वो लाता था, हमारे यहाँ गुड़िया के बाल बोलते, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे, गुलाबी गुलाबी पीले पीले होते हैं, ऐसे फूले वैसे शक्कर के बने हुए, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? गुड़िया के बाल ही बोलते, चलो सेम। तो गुड़िया के बाल हमारे वहां बोलते, बहुत मुलायम मुलायम, और वो थैले वाला जो लाता था तो थैली पूरी भरी हुई होती थी, तो उसको दिलाते समय दादाजी कहते थे, लो इतनी बड़ी थैली है, खाओगे तो पेट भर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको खरीदा और जैसे ही उठा के वो हाथ में लिया तो इतना मोटा, और जैसे ही मुंह में रखा तो मुंह में जाते इतना सा मारा। अरे गुड़िया बाल गया भाई, लो। ऐसा संसार है मेरे भाई बहन, देखने में लगता है कि इसको प्राप्त कर लें तो सुखी हो जाएंगे। गुड़िया के बाल की थैली खरीदते थे तो मन लगता था कि खाने से भूख मर जाएगी, भूख मिट जाएगी, लेकिन महाराज उससे तो डाढ़ भी गीली नहीं होती थी। ऐसे ही यह संसार, व्यक्ति को लगता है कि संसार को भोगने से हम सुखी हो जाएंगे संसार, लेकिन मेरे भाई बहन, आज तक संसार को भोगने वाला कभी सुखी हुआ नहीं। रावण ने संसार को भोगा, क्या सुखी हुआ? आपके पास में 50 तोला, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो सोना है और आप सोचते कि हम सुखी हो जाएंगे? रावण के पास पूरी सोने की लंका थी, सुखी हुआ क्या? बोलो। कंस के पास इतनी बड़ी मथुरा नगरी थी, सुखी हुआ क्या? नाथ, संसार को भोगने की भावना आएगी तो सुखी नहीं होगे, और संसार की सेवा करने की भावना आएगी तो आपके जैसा कोई दूसरा सुखी नहीं होगा। अपने को जो चीज मिलती है उसको भोगने की मत सोचो, उससे सेवा करने की सोचो। हम भोगने की सोचते हैं तो दुखी हो जाते हैं। रावण को स्वर्ण की लंका मिली और उसने भोगने की कोशिश करी तो वो दुखी हो गया, और भगवान श्री कृष्ण को सोने की द्वारिका मिली लेकिन उन्होंने उस द्वारिका को पाकर सुदामा की सेवा करी तो वो सुखी हो गए। मां, वस्तु को पाकर भोगने की कोशिश करोगे तो महाराज दुखी हो जाओगे, और वस्तु को पाकर उससे सेवा करने की कोशिश करोगे तो सुखी हो जाओगे। नाथ, गौकर्ण जी ने समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को और उनको वन की ओर भेज दिया। बाद में धुंधुकारी के उत्पातों को देखकर धुंधुली भी मर गई। धुंधुकारी ने भी अपने घर में वेश्याओं को लाके जगह दे दी। उन वेश्याओं ने धन के लोभ में एक दिन धुंधुकारी को मार डाला। मर करके वो धुंधुकारी प्रेत बना, प्रेत बनकर भटकने लगा। एक दिन जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर को आए तो वो प्रेत बना कभी हाथी बन के सामने आता, कभी घोड़ा बन के सामने आता। मेरे भाई बहन, गोकर्ण जी ने उसको पूछा, भाई तू कौन है, क्यों भटकता है? तब उसने कहा कि मैं धुंधुकारी तुम्हारा भाई हूं, मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरे कल्याण के लिए कुछ करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तेरे लिए श्राद्ध किया, तर्पण इत्यादि सब किए, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले, नहीं भैया, मेरी मुक्ति नहीं हुई और मेरी मुक्ति इन सब बातों से होने वाली नहीं है, आप मेरी मुक्ति के लिए कुछ और यत्न करो। तब नाथ श्री
गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान को पूछा कि इसका कल्याण कैसे होगा। तब सूर्य नारायण भगवान ने भागवत कथामृत का आश्रय करने को कहा और श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा का वाचन किया। उस कथा को सुनने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और तो और उस कथा को सुनने के लिए वो धुंधुकारी भी आया। अब धुंधुकारी सोचने लगा कि मैं कहां बैठकर कथा सुनूं। तो धुंधुकारी ने सोचा कि कहां बैठ के कथा सुनूं। धुंधुकारी ने देखा ये गांव के लोग बैठे, इनके बीच में बैठ जाऊं तो भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रेत किसी के बीच में नहीं बैठ सकता और बैठ जाए तो फिर घटना कुछ और हो जाती है। अब धुंधुकारी ने कहा कहां बैठूं। तब महाराज एक बांस रखा हुआ था, उस बांस के ऊपर जाकर के वो धुंधुकारी बैठ गया। क्यों बैठ गया? ताकि वहां निश्चिंतता से बिना किसी विक्षेप के कथा सुन सके। और उस धुंधुकारी ने कथा सुनी 7 दिन तक नियम पूर्वक। 7वें दिन जब कथा का विराम हुआ तो वो बांस फट गया और उसमें से धुंधुकारी देव रूप धारण करके प्रकट हुआ और भगवान के धाम को चला गया। बाकी जो कथा सुनने वाले थे उन्होंने कहा महाराज कथा तो हम सब ने सुनी और विमान आया एक और कल्याण हुआ एक का, हम सब कहां जाएंगे? तो गोकर्ण महाराज ने कहा भाई जिस निष्ठा से, जिस नियम से और जिस प्रकार मन लगाकर इसने कथा सुनी उतनी किसी और ने नहीं सुनी, क्योंकि इसके लिए तो यही सार था। डॉक्टर के पास एक तो मरीज जाता है और एक आदमी मरीज के साथ जाता है, तो डॉक्टर दवाई जब बताता कि ये सुबह लेना ये शाम को लेना, मरीज बीमार होता है लेकिन फिर भी एकदम ध्यान में रख लेता कि ये दवाई इतने बजे लेनी है इतने बजे लेनी है, और साथ वाला एकदम ठीक होता वो भूल जाता कि मैं तो भूल गया डॉक्टर ने कहा ये लेनी है कि ये लेनी है, मैं तो भूल गया। क्यों? जो रोगी है वही जानता है महाराज। तो इसलिए महाराज वो धुंधुकारी का कल्याण, अब तुम सब गंभीरता पूर्वक सुनो तो तुम्हारा कल्याण होगा। सब गांव के लोग फिर से कथा सुनने के लिए बैठे और इस बार जब कथा हुई तो पूरा गांव फिर से चित्त लगाकर कथा सुनता है। और कथा विराम के समय तो 7वें दिन पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश विमानों से भर गया और जितने कथा सुनने वाले लोग थे सब विमानों में बैठ बैठ कर भगवान के धाम को गए हैं। और गोकर्ण जी को लेने के लिए तो खुद ठाकुर जी आए हैं और गोकर्ण जी को गले लगा लिया, गले लगा करके और अपना स्वरूप प्रदान करके अपने धाम को ले गए। ऐसी मेरे भाई बहन भागवत की महिमा है कि सुनने वाले कहने वाले सब ठाकुर जी को प्राप्त करते, भाई ऐसी धन्य है भागवत की वार्ता प्रभु। इसके बाद भागवत जी की श्रवण विधि आती है, कथा को सुनना कैसे। मेरे भाई बहन अपने मन को, वचन को और कर्म को एकाग्र करके और ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करना है ऐसा हृदय में भाव रख करके और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। मेरे भाई बहन आप सब एलनावाद निवासियों का अद्भुत सौभाग्य है, आज ये कोई बहुत बड़ी लीला ठाकुर जी की हुई है कि इस पुण्य पवित्र भाद्रपद मास में अपने को श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान करने का सुअवसर मिल रहा है। आइए भाव के साथ थोड़ी देर ठाकुर जी का कीर्तन करें और फिर उसके बाद में जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे सब बोलो जय राधे सब लोग बोलिए भगवान का कीर्तन बोलो भाई लाभ होगा। क्या लाभ होगा? देखो हमारी माई घर में आटा खाली करती है पीपे में
तो पीपा आटे से भर गया लेकिन आटा बच गया। तो माँ माँ को कहा, माँ पीपा आटे से भर गया, अब आटा बच गया, अब आटा पीपे में कैसे डालेगी? माँ बोली ठहर अभी बताती हूँ। और माँ ने क्या किया, माँ ने पीपा हिलाया और जैसे ही पीपा हिलाया तो आटा नीचे बैठ गया, ऊपर जगह बच गई। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, आज तो आप लोग ज्ञान से भर गए हो, तो अब कल का ज्ञान कहाँ पर रखेंगे? इसलिए थोड़ा कीर्तन करिए ताकि ये ज्ञान आज का नीचे बैठ जाए, ताकि कल के ज्ञान के लिए जगह बन जाए। इसलिए जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो 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 जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो जय राधे, संस्कृति है कि जब अतिथि घर पहुंचता है तो उनका सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो यह इलाहाबाद की धरती बड़ी पावन और पवित्र हो गई कि आज हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री राधा कृष्ण जी महाराज, जिनके पावन प्रवचन से आज की ये पावन गंगा वही, और आज इतनी संख्या में पीछे तक बैठे पंडाल भरे हुए हैं भक्तों ने इस डुबकी लगाई गंगा में। तो आइए, मैं कुछ सज्जनों का नाम लूंगा, कुछ भक्तों का नाम लूंगा, कृपया आइए, वो मंच पर आकर परम आदरणीय संत महाराज का स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। तो मैं जैसा भी जिनका नाम लूं, कृपया वो मंच पर जरूर पहुंचे। सबसे पहले मैं आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी मुनीशानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा मंच पर आए, उसके पश्चात आदरणीय चौधरी भागीराम जी, पूर्व मंत्री हरियाणा से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उसके पश्चात श्री सुभाष जी गोयल, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। राजकुमार जी रानिया वाले, कृपया मंच पर पहुंचे। रघुनाथ जी गुप्ता,
उनसे निवेदन करूंगा, आइए कृपया मंच पर पहुंचे। श्री राजकुमार जी की लहोत्रा, उनसे निवेदन करूंगा कि आइए महाराज का अभिनंदन करें। डॉक्टर सुखराम जी शर्मा, आइए कृपया मंच पर। श्री गोपाल जी गोयल भट्टे वाले, उनसे मेरा निवेदन कि आइए महाराज जी का अभिनंदन करने के लिए कृपया मंच पर पहुंचे। महेंद्र जी ठेकेदार और पवन कुमार जी कांसरिया, उनसे मेरा निवेदन है कि आइए मंच पर पहुंचे। दोपहर 2 बजे इसी पावन पवित्र जगह पर इकट्ठे होकर इसी गंगा में डुबकी लगाते हुए ठीक 2 बजे अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज काफी संख्या भगत पीछे तक बैठे थे, जगह नहीं थी बैठने के लिए, कल इससे ज्यादा भीड़ होगी, तो मेरा पुनः निवेदन भक्तों से जल्द समय का विशेष ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इस पावन पवित्र कथा का स्मरण करेंगे। आरती के लिए पधारें। तो आइए कृपया सभी आरती करने के लिए सब लोग आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। माताएं बहने और भक्तजन, सबसे निवेदन है कि जाइए। Shri Mohan
जलती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया। क्या से प्रकट हुई सृष्टि करे नित पंच काव्य दृष्टि, सकल पर रखति सब दृष्टि, जीवन में रहता जीने का रहता बताती बात बधैया की, आरती गैया मैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभी, शमन करती हो विषकारी, कुमारी जल रहे ना गल चले पथ ना।